Down the ground, just stands and watches. And Imam-ul-Haq goes to glory. His first 100 in Test cricket. Has been a long journey to get there. Oh, that's a bit of a long hop. And there it is. 100 runs, magnificent work. That's his first century. I like that one. Be very happy the Pakistan team for this Test match. Short is big shot. Big shot mid up. There he goes. How good is that? Excellent. That is just too good. Yeah, got him. Bowls in. इतनी बड़ी टीम आती है तो आपके कुछ गोल्स होते हैं और देखें मैं कोशिश कर रहा था कि जो है क्योंकि काफ़ी अरसे से वनडे सीरीज़ ना हुई नहीं थी और मैं टेस्ट में 12th मैन था तो मेरी कोशिश थी मैं प्रैक्टिस हार्ड कर रहा था बहुत ज़्यादा पिछले 1.5 ईयर से। और देखें जाहिर सी बात है कि जब आप कुछ सोचते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद करते हैं तो मेरी कोशिश थी कि मैं हार्ड वर्क करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज़ वेरी लकी। जब इतनी बड़ी टीम आती है आपके पास स्टार कमिन, स्टीव स्मिथ, लबुशेन, वार्नर तो मेरे ख्याल से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है हम भी एक लर्निंग प्रोसेस में चले जाते हैं। हमारे क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया दोनों टीम्स को, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और वनडे सीरीज़ जिस तरह हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हमारी टीम को। ये देखें ये बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, हमारे प्लेयरों का कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग की, शाहीन ने की, अब्दुल्ला शफीक की टेस्ट में बैटिंग, ये बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। इस तरह की अगर टीम्स आती रहेंगी जब हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि आपको अगर आप देखें टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले वो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें भी एज एन इंडिविजुअल क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी ये हिंट नहीं देते और आपको ज़रा से भी अगर आप हल्का सा हर वक्त आपको बैकफुट पे रख दें तो ये बहुत ज़्यादा अपने इंडिविजुअल ने मैंने काफ़ी कुछ सीख के जा रहा हूँ और जितनी भी टीम है एज ए टीम हमने बहुत कुछ सीखा है। बैटिंग पार्टनर यही आपका रोल होता है कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की जो माइलस्टोन जब करीब आ रहा होता है तो एज ए प्लेयर मैं समझता हूँ कि नर्व्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और फिर आप की कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी ये बन जाएं, उसमें आपके मिस्टेक्स करने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि क्योंकि वो इतना अच्छा इमाम खेल रहा था मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर ये सिर्फ खेलता रहेगा तो उसका बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब हो जाएगा। तो सिर्फ ये था कि मैं ये समझा रहा था कि जब भी ये थोड़ा सा मुझे लगता था कि शायद इसको थोड़ा सा रन्स नहीं मिल रहे तो मैं इसको कोशिश करता था कि मैं इसको काम रखूं और क्रेडिट टू हिम कि जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल के आ रहा है पीछे तो आई थिंक इसके पास इसकी बड़ी इनिंग्स उसमें लगी हुई थी जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी था। और कुछ ऑब्वियसली जब मैं भी 100 के करीब होता हूँ तो चाहे मेरा साथ कोई यंगस्टर खेल रहा हो या सीनियर प्लेयर खेल रहा हो तो आई थिंक कि उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं ना वो बड़ी काउंट करती हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपना रोल जो है ना इसकी इनिंग के अंदर भी जो है वो प्ले करूँ। We have very proud moment today. Azhar Ali is the 5th Pakistani who achieved 7,000 run and kicks. बिल्कुल इजी नहीं था, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इजी था क्योंकि एक पीएसएल जैसे आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होता है और अलग लेवल में एक गेम खेलनी होती है एंड एट द सेम टाइम आपको स्विच करना पड़ा इधर टेस्ट में जैसे कि 4 दिन का गैप था, ज़्यादा गैप भी नहीं था हमारे पास बट ये था कि माइंड को रिलैक्स रखा था और कोशिश कर रहा था कि इधर अब मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। और अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए एक जैसे कि इतना बड़ा टूर ये हो रहा था तो यही था कि जब मुझे चांस जैसे कि मिलना था भी तो मैं यही प्रिपेयर्ड था कि उन बॉलर्स को फेस करना जैसे कि वेल नोन बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का। तो यही था कि बिलीव था, फेथ था अपनी प्रैक्टिसेस पे, तो कोशिश यही थी कि चीज़ों को जितना सिंपल रखूं क्योंकि बेसिक्स तो क्रिकेट्स की सेम होती है और यही था कि उधर जो चीज़ की है, जैसे कि T20 में तो कोशिश कर रहा था कि अब इधर थोड़ा चेंज करूं माइंडसेट को और जितनी जल्दी एडजस्ट हो सकूं कंडीशंस के हिसाब से। बैटिंग में पहली सेंचुरी बनाई कराची में 96 की है, किस इनिंग्स को ज़्यादा रेट करते हैं आप? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टीम गेम है तो मैं ज़्यादा रेट 96 वाली को करूँगा क्योंकि उसमें हमने टीम में मैच बचाया तो वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रहेगी। Wedge and caught. Oh, heartbreak for Abdullah Shafiq. A wonderful knock from Abdullah Shafiq comes to an end. A four-run shot. Abdullah Shafiq, magnificent innings though. Room of improvement तो हर जगह होता है। अगर हम मैं स्कोर करूँ भी तब भी मुझे सीखने के लिए कुछ चीज़ें होंगी और अगर मैं नहीं करता तो ऑब्वियसली होंगी। तो ये है कि जो मैंने अच्छा किया उनको कैरी ऑन करूँगा और कोशिश करूँगा जो वीकनेसेस हैं वो उन पे वर्क करूं और कोशिश करूं उनको भी और अच्छा इम्प्रूव करूं और एक इम्प्रूवमेंट नज़र आया आप सबको मेरे गेम में। देखिए प्लान तो हर बैट्समैन को करते हैं और खुशी भी हर विकेट पे ज़्यादा मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप जितने अच्छे बैट्समैन को आउट करते हो और सिचुएशन के हिसाब से आप देखते हो कि इस टाइम पे टीम को विकेट की ज़रूरत है और उस टाइम पे जब आप आउट करते हो तो उसको बड़ा एंजॉय करते हो। और मेरे ख्याल से जब मैंने स्मिथ को आउट किया था क्योंकि उसको मैंने पूरा प्लान किया हुआ था कि बाहर बाहर उसको कर रहा था और एकदम से मैंने उसको एंड स्विंग किया तो बड़ा मैंने उसको एंजॉय किया, इससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला और उसके बाद मेरा एक अच्छा रिदम लगा तो अच्छा स्पेल हुआ। Oh, that's not a bad shout. That's out, I think. Yep, that's gone. That is really well deserved. I think he's bowled really nice with this reverse. Smith is not even going to chat to his partner. He has started the track back. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने बात की कि कोई भी विकेट हो, टेस्ट विकेट हो तो एज अ बॉलर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपके कैरियर में एक विकेट ऐड हो जाती है कि आप टेस्ट क्रिकेट में जब आउट करते हो। तो मेरे ख्याल से हर विकेट को एंजॉय करते हैं और एज अ फास्ट बॉलर अगर आप बोल्ड करते हो और वो भी आप अच्छा आपको मतलब रिवर्स स्विंग हो और बोल्ड हो जाए तो मेरे ख्याल से एज अ फास्ट बॉलर के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त फीलिंग होती है। जब मैं कराची के अंदर सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करने गया वहाँ पर तो एक काफ़ी प्रेशर वाला टाइम था वहाँ पे, तो वहाँ पे स्मिथ, वार्नर और काफ़ी सारे फील्डर्स ऑलमोस्ट सारे तकरीबन ऊपर ही थे तो वहाँ पे उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब तंग क्या कहेंगे एक शरारतें की उन्होंने कि उन्होंने जो मेरा नाम है नो मान तो उसको वो कहते थे नो मैन इस तरह करके, नो मी नो मी नो मी नो मी नो मी इस तरह करके उन्होंने काफ़ी उसमें शरारतें की और कोशिश की कि मेरा फोकस थोड़ा सा वो मतलब हटाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच हम लोगों ने ड्रा किया। जिस तरह की फॉर्म उस्मान ख्वाजा की थी वो जो उन्होंने पहले टेस्ट के अंदर 97 किया तो वो जो विकेट थी वो काफ़ी मतलब उसे आउट करके मज़ा आया और दूसरा स्मिथ टॉप क्लास प्लेयर हैं उन्हें आउट किया। मेरे ख्याल से इनके जो जितने भी बैट्समैन थे उनको सारों देखा जाए तो सारे ही एक मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो सबको अच्छा लगा आउट करके, लेकिन जो बेस्ट थी मेरे ख्याल से वो जो जिस तरह की सीरीज़ उस्मान ख्वाजा की जा रही थी उस्मान ख्वाजा को आउट किया उसका बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। देखें हम लोग बिल्कुल 250-350 रन हमने चेज़ नहीं किए लेकिन हम लोग करीब करीब बहुत बार पहुँचे हैं। मुझे याद है हम 370 चेज़ कर रहे थे तो 360 हमने किए थे, फिर साउथ अफ्रीका में भी इस तरह 350 कर रहे थे तो वो भी 15-16 रन का मार्जिन था जी। लेकिन इसमें यह है कि जिस तरीके से इमाम और बाबर की फॉर्म लगी हुई है माशाल्लाह से और फिर मेरा भी यही था क्योंकि मेरे से जो भी बात हुई थी इमाम की और कोचेज़ की तो वो यही थी कि बस अगर मैं विकेट पे स्टे करूँगा तो रन्स तो इतने आसानी से रुकते नहीं हैं तो बस हमारा प्लान यही था कि जस्ट टाइम गुजारे और हमारे पास विकेट्स इन हैंड होनी चाहिए क्योंकि लंबे टारगेट को चेज़ करने में अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड हो तो वो आसानी से चेज़ हो सकता है और वही हमारा जो प्लान था वो कामयाब रहा और हमारे पहली विकेट मेरे ख्याल में हमारे कोई 22वें ओवर में गिरी, मैं आउट हुआ, फिर बाबर गया, फिर बाबर ने भी 100 किए, इमाम ने भी 100 किए तो वो बड़ा अच्छा मैच बन गया और आखिर में जो इफ्तिखार और खुशदिल ने फिनिश किया तो बड़ा ज़बरदस्त था। Oh, he's cracked that. That's a very, very good shot. Slow ball probably. Picked it up beautifully. 6 runs. Here we go. Down the ground, there it is. What a victory that is. Magnificent work. High successful chase by Pakistan. The first win against Australia since 2017 after 10 defeats in one-day internationals. That has been a brilliant performance by the boys in green. देखिए जब हम लास्ट मैच में भी जिस तरह ओडीआई मैच था और उसमें एक सीरीज का डिसाइडर मैच था और उसमें जिस तरह वो मैं और शाहीन बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में और जिस तरह सामने बायर एरन फिंच जिस तरह वो प्रैक्टिस कर रहा था और वो लग रहा था कि यार वो शाहीन की बॉल के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है कि यार वो शाहीन ने उसको 2 दफ़ा आउट कर चुका था तो वो उसकी प्रिपरेशन कर रहा था कि यार मैं शाहीन को कैसे फेस करूँगा और हम वो डिस्कस कर रहे थे और देख रहे थे कि यार शाहीन कह रहे थे यार देख मेरी प्रैक्टिस कर रहा है तो बट अनफॉर्चुनेटली उसकी या मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं शायद उसको आज आउट कर दूं। जब वो मेरे सामने आया तो उसको उस प्लानिंग के मुताबिक जिस तरह आउट किया उसको पता है कि हमें पता है कि यार वो जिस तरह जो इंग स्विंग बॉल पे वो फंसता है या उस पर वो स्ट्रगल करता है तो अगर मेरी अच्छी लैंड लेंथ पे वो बॉल गिरती है तो वो मुझे विकेट दे जाएगा। जो भी क्रिकेट स्टार्ट करता है तो सिर्फ एक ही ख्वाब होता है कि पाकिस्तान के लिए खेलना। तो जब पाकिस्तान टीम में आया हूँ और मतलब वो खुशी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बड़ा खुश था। बस ये था कि दिल में कि कुछ करूं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, किसी तरीके से परफॉर्म करूं, अपना हिस्सा डालूं और पाकिस्तान को मैच जिताऊं। तो ये सीरीज़ जो हुई मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी सीरीज़ थी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ से, बैट्समैनों को देख के, बॉलरों को देख के। उसमें भी पहला मैच था मेरा तो काफ़ी देखा और काफ़ी जो है कुछ सीखा मैंने उन मैचेस में, बॉलिंग की उस कंडीशन में, उन बैट्समैनों के ख़िलाफ़। तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनसे भी। ये बात दादू से आना ये बड़ी मतलब बड़ी चीज़ है वहाँ से, क्योंकि वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं हर चीज़। लेकिन ये है कि मेरा बिलीव इस पे था कि मैं जो खेलता था कि आप हार्ड वर्क करो तो उसका अल्लाह पाक आपको रिवार्ड ज़रूर देगा। That is a big wicket. Just towed in a bowled him. He's cleaned him up. That will be his third. Mohammed Waseem is on fire. जी बिल्कुल, पहला मैच थोड़ा सही नहीं गया मेरा, लेकिन दूसरी मैच में मैंने कमबैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंटेन रखना अगली मैच में इंशाल्लाह। कौन सी विकेट सबसे ज़्यादा एंजॉय की? सबसे ज़्यादा कैमरन ग्रीन की, जो मैंने उसको बोल्ड किया। और क्या बोले?